हेलो एवरी वन वेलकम टू अभिमन्यू आई ए एस आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट माई नेम इज़ अक्षय सोनी रीजनिंग एंड एट अभिमन्यू आई एस एंड वेलकम अगेन टू द न्यू सेशन ऑफ़ रीजनिंग इन अभिमन्यू अभ्यास टू पॉइंट ओर दैट इज़ फॉर हरियाणा सिविल सर्विस ट्वेंटी ट्वेंटी फोर तो ऑलरेडी हमारे जो चैनल पर बहुत सारे हमने कंटेंट जो है पब्लिश कर दिया है ठीक है रीजनिंग का तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट बेस्ड Uh, कुछ टॉपिक्स को ठीक है स्टेटमेंट के ऊपर जो बेस्ड उसमें क्वेश्चन आते हैं ठीक है सिंपली आपको स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना है उसमें से आपको आ जाएगा स्टेटमेंट स्टेटमेंट एजम्पन स्टेटमेंट कंक्लूजन और स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन ये तीन टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे तो सेशन को शुरू करते हैं जैसे कि आपका ये uh, जो है इसमें पार्ट वन ये पार्ट्स में आएगी वीडियो ठीक है तो पहला इसका पार्ट हम आज डिस्कस करेंगे सेशन आपका फिफ्टींथ 15, ये फिफ्टीन सेशन है ठीक है और जैसे कि आपको पता है एस सी प्रीलिम का जो फास्ट ट्रैक बैच है ठीक है क्योंकि अभिमन्यु आई एस दैट इज़ नंबर वन इंस्टीट्यूट फॉर एस सी एस प्रिपरेशन इस अभिमन्यु ने फोर्टी वन प्लस सिलेक्शन दी है ट्वेंटी ट्वेंटी वन में और ट्वेंटी सेवन प्लस सिलेक्शन दी है ट्वेंटी ट्वेंटी टू में ठीक है इसमें आपको क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं आपको ऑफलाइन ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन क्लास, क्लास सी सेट क्लासेस पी डी एफ नोट्स टेस्ट सीरीज और मेंटोरशिप ये सभी चीजें आपको इसमें अवेलेबल हो रही है ठीक है तो हम टॉपिक को शुरू करते हैं सबसे पहले देखिए यहाँ पे अजम्पन्स क्या होती हैं अजम्पन कोई भी चीज कोई भी हम बात बोलते हैं ठीक है थेके? उसके पहले हम क्या करते हैं अज्यूम करते हैं जैसे एग्जाम्पल लिए मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ तो मैं कुछ अज्यूम कर रहा हूँ कि आप मेरी इंस्ट्रक्शन को समझोगे ठीक है अजम्पन ध्यान रखना जो भी कंक्लूजन होता है कंक्लूजन को ये एक अनस्टेटेड प्रीमाइज है प्रीमाइज तो होता है जिस चीज को हम नकार नहीं सकते बट ये अनस्टेटेड है जिसको कहा नहीं जाता मतलब उसका बेस बनेगा जरूर ठीक है और ये क्या होगा ये आपका मतलब इम्प्लाई होगा ना कि ये बिल्कुल सामने दर्शाया जाएगा और साथ ही साथ इसमें ध्यान रखना है कि ये ट्रू हो भी सकता है नहीं भी हो सकता एक टाइप का उसमें वो बेस बनेगा ठीक है स्टेटमेंट का बेस अब प्रॉपर्टीज क्या है प्रॉपर्टीज आपने ध्यान रखना है प्रॉपर्टीज क्या है इसकी इट इज ऑलवेज इम्प्लीसिट इम्प्लाई की जाती है ठीक है नॉट क्लियरली स्टेटेड मतलब सामने ये बताया नहीं जाए क्लियरली स्टेट नहीं कर पाएंगे उसको ठीक है एक्सप्लीसिट अगर कोई होगी तो वो फॉल्स आती है ठीक है ऑलवेज रेलिवेंट हमेशा ध्यान रखना जो स्टेटमेंट होगी उससे हमेशा रेलिवेंट होगी ऐसा नहीं होगा कि कोई नया टॉपिक इसमें शुरू कर दिया जाए ठीक है रेलिवेंट रिलेशन इसमें होगा हमेशा कंक्लूजन विल बी ट्रू इफ अजम्पन इज ट्रू कंक्लूजन तभी ट्रू होगा अगर एजम्पन ट्रू है ठीक है तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है ये हमेशा रिलेटेड होगी अजम्पन इज नॉट रियान रियाइट्रेशन क्या होता है जैसे आप स्टेटमेंट है स्टेटमेंट की ही बात को अगर मैं घुमा फिरा के लिख दूं तो वो रियाइट्रेशन बन गया तो वो अजम्पन नहीं है ओके अजम्पन इज नॉट कंसिक्वेंस अजम्पन ऐसी नहीं है कि वो रिजल्ट बन रहा है कि आपने स्टेटमेंट दी उसका वो रिजल्ट बन रहा है ऐसा नहीं होगा तो ये चीज का ध्यान रखना है ठीक है तो ये स्टेटमेंट जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे स्टेटमेंट रमेश राइट्स टू हिज मैनेजर अपने मैनेजर को लिखा है रमेश ने सर आई वॉन्ट लीव टिल एज आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड ऑफिस ड्यू टू फ्यूबर देखिए इसमें ध्यान से पढ़ना है स्टेटमेंट को हमेशा ध्यान से पढ़ना है और देखना है कि कौन सा इसमें से, इस से अजम्प्शन बनेगी अजम्प्शन क्या होगी अजम्प्शन किसी ना किसी फैक्ट से रिलेटेड होगी और उसमें कोई भी नया टॉपिक शुरू नहीं होगा देखिए पहला अगर हम इसमें देखें, रमेश विल बी दी लीव। तो ये क्या बन रहा है, बाद बाद है ना तो ये तो बन रहा है रिजल्ट पॉजिटिव मैनर में रिजल्ट ठीक है इसकी बात करें ही विल नॉट बी ग्रांटेड दीप तो ये नेगेटिव मैनर में रिजल्ट बन रहा है तो मैंने जैसे आपको बताया कि स्टेटमेंट सॉरी uh, एजम्सन कभी भी कंसिक्वेंस नहीं होगा तो ये पहला और तीसरा नहीं बनेगा अब देखिए जब आप स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो उसमें क्या सर आई लीव टिल तारीख तक मुझे छुट्टी चाहिए क्योंकि मैं अटेंड नहीं कर पाऊँ कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना उसने पंद्रह तारीख क्यों किया क्योंकि उसको पता है कि वो पंद्रह तारीख तक ठीक हो जाएगा तो देखिए यहां पे लिखा है ही विल गेट वेल बाई फिफ्टीन तो क्या आएगा इसमें इसमें आंसर आएगा, आएगा आपका

पार्किंग इज नॉट अलाउड here. पार्किंग अलाउड नहीं अब जिस पर्सन ये लगाया उसका मकसद क्या होगा उसने क्या सोच के लगाया होगा उसने ये चीज को सोचा होगा कि अगर मैं इसको लगाऊंगा यहाँ पे नोटिस बोर्ड को इस नोटिस को लगाऊंगा तो इसका मीनिंग क्या होगा कि उसको पढ़ेंगे लोग और उसको पढ़ के उस चीज को फॉलो करेंगे तो क्या बन रहा है इसमें पार्किंग इज नॉट अलाउड हेयर इसको देख के लोग क्या करेंगे पीपल विल नॉट पार्क देअर व्हीकल्स हेयर मतलब सेकेंड इसमें कर... जो है जंक्शन बन रही है बट

क्टिंग दी हिल्स हाउस अपने हाउस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सुमोन को टेन लैख का लोन चाहिए ठीक है अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेन लैख में मैंने यहाँ पे सर्कल किया इस चीज को ध्यान से देखना अजम्पन्स क्या बन रही है अजम्पन्स है ही विल गेट ही विल बी एबल टू गेट दोन वो उसको लोन मिल जाएगा ठीक है तो ये स्टेटमेंट के बाद रिजल्ट बन रहा है तो रिजल्ट तो नहीं होगा ठीक है थीके? तो रिजल्ट तो गलत है यहाँ पे नहीं बनेगा उस विध टेन लैख अब देखिए अगर उसको ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट हो तो ज्यादा यहाँ पेन्शन होता ठीक है, से उसको पता है कि मैं के बीच में घर बना पाऊंगा तो उसने टेन लैख की ही डिमांड की तो इसलिए क्या होगा ये आपका सेकेंड एक एजम्पन बनेगी ठीक है अब थर्ड का देखते हैं मोर मनी विल बी रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग आफ्टर वर्ड अगर ऐसा होता है तो आप यहाँ पे वो मैंशन करता कि टेन लैख के अलावा उसको और ज़्यादा पैसे चाहिए मोर देन टेन लैख यहाँ पे ऐसा होता ठीक है बट ये नहीं बनेगा ये जो एजम्पन है बट ये गलत जो बन रही है ठीक है इसका हम यहाँ पे यूज नहीं कर पा रहे और फोर देखिए बैंक विल नॉट लैंड हिम दी मनी तो क्या मीनिंग है देखिए ये रिजल्ट था पॉजिटिव मैनर में ये क्या है नेगेटिव मैनर में रिजल्ट तो ये भी गलत होगा ठीक है तो कौन सी ऑप्शन आएगी ऑप्शन सेकंड इसका आंसर बनेगा चलिए अब देखिए जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट स्टेटमेंट है statement, statement है है लोकल सिटीजन ग्रुप सबमिटेड अ अ मेमोरेंडम टू टू सिविक अथॉरिटी फॉर देम कन्वर्ट प्लॉट इन गार्डन एट देयर कॉस्ट ठीक ध्यान से पढ़ना है को और उसका को दे। में है, अब इन्होंने क्यों की कोई भी अगर ऐसे जाएगा कहीं पे भी जाएगा और उस तरह से मेमोरेंडम भी शो कर दे रहा है और साथ ही साथ उसमें बोल रहा है कि हम अपने पैसे इकट्ठा कर पाएंगे करेंगे मतलब अपने पैसे से ही मतलब उसको डेवलप करेंगे ठीक है अपने पैसे जो भी हम इसमें कॉस्ट होगी वो हम खुद पे करेंगे तो वो क्यों कर रहे हैं क्योंकि वो इकट्ठा कर सकते हैं तभी उन्होंने बोला तो अजम्पशन क्या बनेगी अब अगर ये चीज आपकी ट्रू है तभी तो ये ट्रू बन रही है अगर यहाँ पे आ जा लोकल सिटीजन ग्रुप मे नॉट बी एबल अगर ऐसा होता तब तो स्टेटमेंट गलत हो जाती ना वो आ, जो है इकट्ठा नहीं कर पा रहे ठीक है तो आपने ये नेगेटिव रूल भी इसमें लगाना है स्टेटमेंट में नेगेटिव रूल लगा लो अगर वो फॉल वो गलत है तो स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी मैंने क्या बताया था आपको कि स्टेटमेंट को स्टेटमेंट तभी हो ट्रू होगी जब अजम्पशन ट्रू होगी ठीक है तो उसमें अगर आप नेगेटिव रूल लगाओ तो उससे आप स्टेटमेंट को बता सकते हो ये ट्रू बनने के नहीं जैसे कि मैंने इसमें बताया लोकल सिटीजन ग्रुप मे नॉट बी एबल अगर ऐसे नहीं वो फंड इकट्ठा नहीं कर पाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा ये उस गार्डन को डेवलप नहीं कर पाएंगे तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी ठीक है इसलिए क्या होगा जिसमें ये रूल लग रहा है वो आपकी स्टेटमेंट वो एज्शन होगी आपकी ट्रू. तो देखिए द सिविक अथॉरिटी में नॉट एक्सीड टू द रिक्वेस्ट ऑफ द लोकल सिटीजन अब देखिए यहाँ पे इसमें क्या बोला गया अगर ऐसी बात होती तो वो तब तो वो देते ही नहीं ठीक है इस तरह अगर सोच के चलते कि सिविक अथॉरिटी हमारे इस मेमोरेंडम को इस जो याचिका है हमारी इसको जो खारिज कर देंगे तो क्या होगा तो उस केस में वो मेमोरेंडम देते ही नहीं तो क्या होता ये सेकंड आपका नहीं बनेगा ठीक है चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या बने स्टेटमेंट है मैनी ऑर्गेनाइजेशन हैव ओवर टू द ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो ऑनलाइन मोड है एग्जामिनेशन का उसमें स्विच कर चुके हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ठीक है अब ये स्विच क्यों किया होगा उन्होंने क्या उनकी सोच होगी वो देखेंगे पहला कैंडिडेट्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री मे बी वेल वॉज यूजिंग कंप्यूटर देखिए अगर हम ऐसा सोच के चलें कि कैंडिडेट जो है बहुत सारे पार्ट्स के मतलब ऑलमोस्ट सभी पार्ट के कंट्री के उनको कंप्यूटर चलाना आता है अगर ये सोच होगी तब तो वो उसी के बेस पे हम इसमें बता सकते हैं ना कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने स्विच कर लिया है ठीक है अब इसमें हम नेगेटिव रूल रहे हैं कैंडिडेट फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री मे नॉट बी एबल अगर ऐसा होता मे नॉट बी वेल बर्स्ड अगर ये चीज होती तो क्या होता ये स्टेटमेंट गलत हो जाती ना अब नेगेटिव रूल जब हमने इसमें अप्लाई किया तो इसकी वजह से स्टेटमेंट में जो है असर पड़ रहा है ये चेंज आ रहा है तो इसका मीनिंग है कि ये पहले ही एजम्पन हमारी सही बन रही है अब सेकेंड एजम्प्शन को भी देखते हैं ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन हेल्प इन रिक्रूटिंग मोर कैपेबल पर्सनल ठीक है तो ये अगर उनकी सोच होती तब तो अब मैं नहीं कह सकता क्योंकि ये अगर मैं इसमें लिखूं यहां पे नॉट वाला रूल लगाते हैं ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन हेल्प इन रिक्रूटिंग मोर कैपेबल पर्सन अगर ये इसमें करते तब इसमें तो कोई असर नहीं पड़ता तो इसका मीनिंग है ये सेकेंड गलत बनेगा ठीक है तो क्या आएगा इसमें ओनली वन इज फॉलोइंग ठीक है चलिए अब ये थे हमारे आई होप आपको समझ आ चुके होंगे और नेक्स्ट इसमें पार्ट रहता है हमारा कंक्लूजन का कंक्लूजन का जैसा कि मैंने आपको बात बताई कि इसमें होता है एक प्रीमाइस प्रमाइस का मतलब है कि ये जो वो फैक्ट हैं जिनको हम नकार नहीं सकते ठीक है जिनको जुटलाया नहीं जा सकता और अजम्पशन क्या होगी ये अनस्टेटेड प्रेमाइस है ये अनस्टेटेड प्रमाइस है और इसको सपोर्ट करने वाला होगा ठीक है हमेशा इसके साथ में होगा अब कंक्लूजन को हम कैसे जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर बड़ा अगर हमारे पास वहां पे पैराग्राफ है तो उसमें क्या करना पड़ेगा वहां पे कुछ की होंगे जो कि क्या बताएंगे? वो दस, वो बताएंगे वो वो ठीक है, होंगे विच मीन्स दैट कंटेंटेड दैट तो ये सारे जो वर्ड्स होंगे ये बताएंगे कि ये कंक्लूजन है ठीक है आप इसको बता पाओगे पूरे बड़े पैराग्राफ में बट अब हमें कुछ फीचर्स देखने हैं उसके बाद ही आप क्वेश्चन को कर पाओगे देखिए फीचर्स क्या है ऑलवेज गिवन बाई ऑथर ठीक है सिर्फ ऑथर ही देता है अगर हम रीडर की बात है रीडर भी तो कंक्लूड करता है ना जैसे आप कुछ रीड कुछ चीज पढ़ोगे तो उसमें आप कंक्लूड करोगे हाँ आपको समझ आया क्या चीज समझ आई आपको तो वो क्या होता है उसको बोलते हैं इनफ्रेंस ठीक है ऑलमोस्ट इसी की तरह होती है इन्फ्रेंस ये इम्प्लीसिट हो, होता है एक्सप्लीसिट होता है ठीक है

Suggestive in nature, suggestive हो सकता है, जैसे कि मे माइट यूज हो सकते हैं ठीक है तो इन चीजों का आपने आपने ध्यान रखना है, अगर आपने conclusion को find out करना है, अगर को करना अब हम प्रैक्ट इसको देखते हैं कि किस तरह से कंक्लूजन बनेगा देखिए स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है इन अ वन डे क्रिकेट मैच टोटल रन मेड बाई अ टू हंड्रेड टू हंड्रेड टोटल थे ठीक है

ऐसा तो इसमें बताया नहीं गया कि इसमें एटी परसेंट जो स्पिनर है ठीक है या कुछ ऐसे कुछ नंबर दिया जो कि इसको सपोर्ट कर पाए इस कंक्लूजन को ठीक है तो कंक्लूजन इससे हम क्या समझ पा रहे हैं कि स्पिनर्स ने टू हंड्रेड रन में से वन सिक्सटी रन उन्होंने ही बना दिए ठीक है थीके? बट ये कहीं पर भी क्लियरली स्टेटेड नहीं है कि कितने स्पिनर्स थे और उनकी कुछ ऐसी वैल्यू इसमें दी गई है तो इसके बारे में हम क्लियरली नहीं बता पाएंगे ठीक है आगे देखिए द ओपनिंग बैट्समैन वर स्पिनर्स जरूरी थोड़ी ना कि स्पिनर्स ओपनिंग बैट्समैन ही हो सेकेंड या थर्ड पे भी तो आ सकते हैं ठीक है तो इसमें क्या होगा ये आपका ये भी गलत बन जाएगा क्योंकि हमें क्लियरली नहीं पता कंक्लूजन ना तो पहला बन रहा है ना ही दूसरा तो हम इससे क्या बनेगा ये ऑप्शन डी इसका आंसर बनेगा नीदर वन नॉर टू इज फॉलोइंग ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये बताया गया यहाँ पे स्टेटमेंट में द कैबिनेट ऑफ स्टेट एक्स टन स्टेप टू टैकल दिल्क क्लट मिल्कलट पर ध्यान देना है इसमें ठीक है मिल्क लट मतलब एक्सेस ऑफ मिल्क ठीक है मिल्क लट इन देट स्टेट मतलब कौन सा एक्स स्टेट एज द कोटिव एंड गवर्नमेंट डेरीज फेल टू यूज दिल्क ठीक है एक कोई न्यूज रिपोर्ट है जिसमें यह बताया गया कि अवेलेबल जो मिल्क की अवेलेबिलिटी थी उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं कौन ना तो कॉपरेटिव सोसाइटीज कोपरेटिव डेरीज ना ही गवर्नमेंट डेयरीज ठीक है तो इसका मीनिंग है कि यहाँ पे कुछ एक्सेस ज्यादा मिल्क जो पहुंच चुका है ठीक है और उसका जो है यूज नहीं हो पा रहा तो सबसे पहले कंक्लूजन देखिए कंक्लूजन क्या बनेगा हम इससे क्या समझ पा रहे हैं कि इस स्टेट में प्रोडक्शन है जो मिल्क की वो ज्यादा बन रही है ठीक है मोर देन इनफ है अब देखिए ये बने यहाँ पे द मिल्क प्रोडक्शन ऑफ स्टेट एक्स इज मोर देन नीड नीड से ज्यादा है ठीक है तो ये चीज हम समझ पा रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा मिल्क हो रहा है यहाँ पे फेल टू यूज दी अवेलेबल मिल्क ठीक है जितना मिल्क जो आ रहा है वो ज्यादा है ठीक है डिमांड से ज्यादा वहाँ पे क्या है सप्लाई हो रही है तो उस वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे इसको यूज नहीं कर पा रहे ठीक है सेकेंड है द गवर्मेंट एंड कॉपरेटिव डेयरीज इन द स्टेट एक्ट आर नॉट इक्विप्ड इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सिज एंड टेक्नोलॉजी टू हैंडल एंड यूज सच एक्सेसिव मिल्क तो इसका मीनिंग देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कॉपरेटर और गवर्नमेंट डेयरीज हैं उसका यूज ही नहीं कर पा रही उनके पास ना तो ऐसा कोई आप, इक्विपमेंट है ना ही ऐसी टेक्नोलॉजी है ना ही उनके पास रिसोर्सेज हैं उस वजह से उसका यूज कर पाए तो ये सेकंड भी आपका क्या बन रहा है सेकंड भी इसमें सही बन रहा है तो इसका मीनिंग है कि बोथ वन एंड टू आर द कंक्लूजन ऑफ द स्टेटमेंट ठीक है दोनों इसमें कंक्लूजन बन रहे अब आपके पास नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है गिवन है इसमें पेरेंट्स आर प्रिपेयर टू पे एनी प्राइस एनी प्राइस फॉर एलीट एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन लेट एजुकेशन एजुकेशन का मतलब है कि देखिए अगर आप आजकल का टाइम देखें तो पेरेंट्स क्या होता है पेरेंट्स अपनी जो कमाई होती है उसमें से मैक्सिमम पार्ट जो है बच्चों पे लगा देते हैं उनकी पढ़ाई पे ठीक है उनके जो है अच्छे से उनकी पढ़ाई हो पाए ठीक है ठीके? अच्छे स्कूल में भेजेंगे इवन ऐसे भी केसेज है जहाँ पे पेरेंट्स जो अपनी आधी सैलरी उनके बच्चों को पढ़ाने में लगाते अब देखिए यहाँ पे बोला कि पेरेंट्स कोई भी प्राइस पे कर सकते हैं उनकी एजुकेशन के लिए तो कंक्लूजन देखिए कंक्लूजन क्या आ रहा है

कहना चाहते हैं तो क्या आएगा इसमें सेकंड इसमें फॉलो करेगा सेकंड विल बी दी कंक्लूजन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल विल एलिमिनेट एनर्जी क्राइसिस इन वर्ल्ड यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की बात करें तो क्या आएगा उसमें विंड एनर्जी आएगी सोलर एनर्जी आएगी हाइड्रो एनर्जी आएगी ठीक है थर्मल एनर्जी आएगी ठीक है थीके? तो वेव जो होती है उससे रिलेटेड तो ये सारी क्या चीज़ें हैं इसमें uh, बोला गया है इसमें कि uh, ये चीज़ों का यूज़ करके हम जो वर्ल्ड में एनर्जी क्राइसिस है उस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं उसको ख़त्म कर सकते हैं ठीक है वी कैन एलिमिनेट दैट अब इसमें हमें समझना है इस चीज़ को कि एनर्जी क्राइसिस कब आता है जब हम क्या करते हैं बहुत सारा यूज़ कर लेते हैं बहुत सारी चीजों का यूज कर लेते हैं जैसे कि कोई तो भी जैसे हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करें अगर हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का यूज करते रहें करते रहे करते रहे तो एक टाइम भी क्या आएगा वो बहुत कम हो जाएंगे ऑटोमेटिकली क्या होगा हमारे पास यहाँ पे क्राइसिस बन जाएगा ठीक है तो अभी जो इस तरह की कोई सिचुएशन है उसके लिए बताया गया यहाँ पे तो हमें इससे स्टिक रहना है ना? कंक्लूजन देखते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज ग्रेजुअली रिप्लेसिंग दी कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी मॉडर्न टेक्नोलॉजी ग्रेजुअली रिप्लेस कर रही है ठीक है तो इस चीज को देखें यहाँ पे सेकंड है एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरमेंट द डेप्लीशन ऑफ कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी तो क्या आ रहा? तो तो रहा है एक तो ये सेकंड तो बन ही रहा है एक्सेसिव यूज कर रहे हैं एनर्जी क्राइसिस बन रहा है सेकेंड देखिए इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्योंकि यहाँ पे क्या है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज है इसमें बात की गई है तो इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कोई भी इसमें जो है चीज नहीं बताएगी तो क्या आएगा इसमें ओनली सेकंड जो होगा इसका कंक्लूजन बनेगा ठीक है तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे ठीक है आपने एक बार गो थ्रू कर लेना है और आ, इसका एक और जो है हमारा सेशन चलेगा जिसमें कि हम रिमेनिंग पार्ट को डिस्कस करेंगे जिसमें कि स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन स्टेटमेंट एंड जो उसमें आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और स्टेटमेंट एंड कॉज कॉज एंड इफेक्ट वो सभी टॉपिक उसमें डिस्कस करेंगे एंड दैट इज द एंड ऑफ द वीडियो थैंक यू सो मच फॉर योर कॉपरेशन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू